भर से समर्थन मिल रहा है, हम दो हमारे दो तो सबके दो क्यों नहीं, और इसको लेकर देश भर के लोगों से ही साथ साथ राजनेताओं से भी समर्थन मिल रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी जुड़ गए हैं हमारे साथ जिनका ये कहना है कि इस मुहिम में हम आपका बढ़ चढ़कर साथ देंगे क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य तय करेगा। और एक खास मेहमान से आज आपको मिलाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, प्रोफेशनल स्पीकर हैं, मोटिवेशनल हैं, वो लेखक भी हैं। शिव खेरा जी आज हमारे साथ स्टूडियो में है। शिव खेरा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत। शिव खेरा जी जी, आप बोलते हैं आपके कलम में आपके शब्दों में वो जादू होता है कि लोग आपसे अपने आप जुड़ने लगते हैं, मोटिवेशनल हैं आप। जनसंख्या की जो मुहिम एक छेड़ी है हमने, आप जैसे लोग हैं जो युवाओं को और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, अपने शब्दों में बताएं। पहली बात तो ये है कि मैं सौभाग्य समझता हूँ अपना, क्योंकि आप एक को मैं एक देशभक्ति का चैनल समझता हूँ, एक जो सुदर्शन चैनल बना है ये देश के हित में आगे बात कर रहा है, तो पहली चीज एक। दूसरी बात ये है कि आपने जनसंख्या की बात की और हम दो हमारे दो, दुनिया में चाइना एक देश था जहां पर संख्या बहुत बढ़ रही थी और जनसंख्या एसेट की बजाय एक लायबिलिटी बन चुकी थी उनको और उनके देश को नीचे खींच रही थी, तो वहां के जो सुधार थे और जो भी वहां पर पॉलिटिशियंस थे, लीडरशिप थी उनकी, उन्हें दूरदर्शिता दिखाई और दूरदर्शिता दिखा के उन लोगों ने अपने को कंट्रोल किया और उन्होंने कहा कि सब एक बच्चा होना चाहिए परिवार के अंदर, और इस तरीके से आज उन लोगों ने अपने आप इतनी स्टेबिलिटी ले आई अपने आप के अंदर, और लिटरली वो आज एक दुनिया में नंबर टू देश बन चुका है इन जीडीपी, फाइनेंशियल ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो हर हिसाब से। अब इंडिया की बात करें, हम लोग जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं शायद कुछ ही साल में हम लोग चाइना की पॉपुलेशन को भी पार कर जाएंगे हम लोग। अब सवाल यह है कि बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन हैं वो कहते हैं कि साहब हमारी जो जनसंख्या है हमारी एक एसेट है, हमारी एसेट है, और वो ये भी कहते हैं, खास तौर पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो होते हैं, कहते हैं जब एक मुंह आता है तो दो हाथ भी लेके आता है, तो दो हाथ लेके आता है तो वो बहुत की दो हाथ बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं उनसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि जब दो हाथों को काम ही ना मिले तो उस मुंह में रोटी कहां से जाएगी, पहली बात तो यह है। दूसरी चीज यह है कि हम लोग को यह सिर्फ देखना नहीं है कि हमारी जनसंख्या क्या है और किस रूप से बढ़ रही है, आज की तारीख में जिस तरीके से बढ़ रही है तकरीबन हमारे को मिनिमम 2 करोड़ जॉब्स चाहिए ऑलमोस्ट ऑन एनुअल बेसिस, एटलीस्ट 2 करोड़। कहां पर जॉब्स है एक चीज, और दूसरी बात हम लोग की जनसंख्या है, पॉपुलेशन एक बात है, दूसरी चीज आप देखिए क्वालिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन कैसी है, व्हाट इज द रुकिए साहब, एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं वो तो दूर की बात है, क्वालिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन क्या है। देर वॉज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने सर्वे किया था, कई ऑर्गेनाइजेशन कहती है 5 से लेकर 6% हम लोग की इंडिया की पॉपुलेशन डिसेबल्ड है। आप अनुमान लगाइए, इसको रिवर्स कैलकुलेशन कीजिए, 6% पॉपुलेशन डिसेबल्ड है, बड़ी बात। और कुछ लोग कहते हैं कि तकरीबन 10% इंडिया की पॉपुलेशन डिसेबल्ड है, अंदाजा लगाइए कि 100 मिलियन लोग आर ऑलमोस्ट डिसेबल्ड। सो व्हाट इज द क्वालिटी फॉर पॉपुलेशन एक। दूसरी चीज अब देखें कि एक डिसेबल्ड होता है उसके साथ एक एबल्ड आदमी उसकी देखरेख के लिए भी चाहिए आपको, वो भी एक किस्म से पार्शली डिसेबल्ड हो जाता है तकरीबन। तो हम लोग अपना एक प्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, कहां पे ले जा रहे हैं उसको जी। कुपोषण एक बड़ी समस्या रही, कुपोषण पोलियो चाहिए, सुनिए कुपोषण तो और दूसरी चीज आ गई। देखिए ऐसा है, आज सबसे बड़ी पाप जो है इस देश के अंदर वो गरीबी है जी, और गरीबी की वजह से एक मदर होती है जिसने बच्चे को जन्म देना होता है और उसका अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर उसको खुद नहीं मिलता है, जानते हैं जो बच्चा उनके पेट में पल रहा है जो गर्भ में है उसका दिमाग नहीं डेवलप करता, उसके ऑर्गन नहीं डेवलप करते, उनके पैनक्रियास नहीं डेवलप करते, उनका हार्ट नहीं डेवलप करता, एंड बाय द टाइम दे कम आउट पैदा होते हैं उसके बाद
10 साल की उम्र में 15 साल की उम्र में हार्ट प्रॉब्लम होती है, 10 साल 15 साल की उम्र में डायबिटीज हो जाती है। अब बन कर क्या रहे हैं, सवाल तो ये है। तो इसके बहुत से पहलू हैं, जनसंख्या बड़ी है जी, सोर्सेस कम होंगे, रिसोर्सेस कम, चाइना का आपने जिक्र किया, चाइना की क्षेत्रफल तो ज्यादा है हमसे, हमारे पास इतनी जगह भी नहीं है, एक ये सवाल है। बेरोजगारी बढ़ेगी, एक जगह हम गर्व से ये कहते हैं कि हमारे देश की 35 से कम साल के 65% आबादी है, किस बात का गर्व है ये? जनसंख्या अगर इस तरह से बढ़ती रही, बेरोजगारी तो बढ़नी तय है। अगर ना भी बढ़े तो भी बेरोजगारी बहुत है जी, ना भी बढ़े तो बात यह है कि हम लोगों की पॉलिटिकल लीडरशिप को कम से कम इतनी दूरंदेशी होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, कहां पे रह रहे हैं, इनका घर बार कहां रहेगा, सैनिटरी सैनिटेशन हमारी नहीं है। यहां पर आप गांव में चले जाओ, दूर क्यों बात क्यों जाते हो, मैं दिल्ली में, हमारा ऑफिस वसंत विहार में है जी। और वसंत विहार एक पॉश कॉलोनी गिनी जाती है, आप वहां से 2 ब्लॉक चले जाइए, डी ब्लॉक आगे, वहां पर हजारों झुग्गियां झोपड़ी पड़ी हुई है, और हर एक स्मार्ट वहां पर शहर में आपको ये मिलेगा, जैसे आप जाते हैं हर शहर में हर मिलेगा। आप जब भी स्टेशन पर जाएंगे, आप किसी स्टेशन से सिटी से बाहर निकल रहे हैं, आप देखिए, आप सैडली बात ये है कि वहां पर बड़े बड़े घर हैं, अच्छे घर हैं, लेकिन 100, 200, 300 गज जाके वहां पे हजारों की तादाद में आपको झुग्गी झोपड़ी मिलती है, और नालियों में वहां पर लोग, वहां पर ऐसा है कि समय रुक गया है, 70 साल से कुछ नहीं हुआ है, और वहीं नाली में बच्चे भी सब कुछ, बाथरूम भी कर रहे हैं, लैट्रिन भी कर रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, कुत्ता भी वहीं लैट्रिन कर रहा है, कुत्ता भी पानी पी रहा है। ये आज की स्थिति है, ये हाल है दिल्ली का, इन द पॉश एरिया 100 गज दूर चले जाइए, दिखाने का एक शक्ल, दिल्ली में दिखाने की एक अलग शक्ल है, असलियत में पीछे की दूसरी शक्ल है, ये छुपी हुई शक्ल है। तो बात यह है, कब तक हम लोग अपने से धोखा करते रहेंगे, कब तक अपनी आंखों से भागते रहेंगे? अल्टीमेटली वी हैव टू फेस फैक्ट्स। जब तक हम लोग फैक्ट्स देखेंगे नहीं, हम लोग खाली अपने आप को बेवकूफ बनाते रहेंगे, और देश ऊपर जाने की बजाय देश नीचे गिरता जाएगा। अक्सर सुनते हैं हम लोग कि इंडिया की GDP नंबर 3 होने वाली है, थर्ड वेल्थीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फलाना हो जाएगा। अरे भाई, थर्ड वेल्थीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, आप देखिए GDP हमारी 7% के करीब बढ़ रही है। अरे 7% बढ़ रही है तो 7% में से जा कहां पे रही है GDP? 99% 1% के लोगों के पास जा रहा है। 99 GDP जो बढ़ता है, 1% लोगों के पास जाता है, बाकी 99% तो भूखे रहते हैं आज भी। वो कहते हैं पर कैपिटा, देखिए पर कैपिटा का क्या मतलब होता है, आप GDP को डिवाइड कर दीजिए पॉपुलेशन से, पर कैपिटा निकल आती है। पर कैपिटा का मतलब है आप, ये सारी जनता बढ़ गई। बॉटम लाइन इज दैट आज भी जो गरीबी रेखा से थे उनका हाल और बुरा है। आप आंकड़े चाहे बदल दीजिए, कम हो गए, गरीबी रेखा से लोग इतने ऊपर उठ गए, दैट डजंट मीन। आप कहते हैं जीतने वाले अलग नहीं करते, चीजों को अलग ढंग से करते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि इसमें भी कुछ अलग ढंग से करने की जरूरत है? बयान देने से, बातें करने से काम नहीं चलेगा? अब बिल्कुल ठीक बात है। देखिए ऐसा है, ये सब जितने भी विषय हैं जी, ये मुश्किल नहीं है। लोग कहते हैं कि क्या एक्सपीरियंस है, लोग कहते हैं पॉलिटिक्स में आने के लिए क्या एक्सपीरियंस चाहिए, और उनको एक्सपीरियंस नहीं है। अरे एक्सपीरियंस चाहिए क्या देश के लिए जी? सिर्फ एक्सपीरियंस एक ही चीज का चाहिए, देश का हित अपने हित से ऊपर रखो, इससे अलावा कोई एक्सपीरियंस चाहिए जी। नहीं, मैंने भी सुना है कहीं पर कि अगर देश बदलना है तो 2 चीजें बदलनी है, आपको और मुझे। अगर इस तरह से लोग सोच लेंगे, नहीं नहीं, मुझे लगता है देश बदलेगा। नहीं नहीं, सुनिए, ये बहुत आप इस सरलता पूर्वक के बात कह दी, अपने आप को बदलो दुनिया बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। आप अपने इतिहास में चले जाओ, अपनी रामायण में चले जाओ, महाभारत में चले जाओ, जहां पर भी हुआ उन सब लोगों ने अपने आप को बदला था कि दूसरे दुश्मन बदल गए थे क्या जी। बात यह है, ना बदले इस तरीके से। और कहते हैं आप प्यार से दुनिया को, सारी दुनिया को जीत सकते हो, अरे भाई राम भगवान तो जीत नहीं पाए, रावण सीता को ले गए। तो कहते हैं टॉलरेंस बहुत बड़ी चीज है, तो क्या राम ने कहा था कि सीता को ले गए कोई बात नहीं, मैं बहुत टॉलरेंट हूं, दूसरी सीता ले आऊंगा, तीसरी ले आऊंगा, चौथी ले आऊंगा? ये ऐसा चलता नहीं है दुनिया में। ये बहुत अच्छा लगता है, कहते हैं अपने आप को बदलो दुनिया सब बदल जाएगी। अरे भाई, आप सही रूप से गाड़ी चलाओ ठीक है, लेकिन दूसरे जो दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं वो आपको मारेंगे, उससे भी बचना है आप जी। सो सिर्फ अपने आप को ही ठीक नहीं करना है,
एक समाज को ठीक करने का, समाज को भी ठीक करने का हर नागरिक का कर्तव्य है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पॉजिटिव एक्शन भी जरूरी है। सुनिए शिवानी जी, अपने आप को सिर्फ नहीं ठीक करना है, हम लोगों को अपने आप के साथ समाज के प्रति भी हमारी एक ड्यूटी है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेवारी है समाज के प्रति जी। सो सिर्फ अपने आप को ठीक करके चले जाओ, इससे काम नहीं होगा। हम लोग का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज के प्रति भी, अरे हमने समाज से लिया है, हमको क्या देना नहीं है क्या जी। इसी वजह से आदमी जो अगर ठीक आता है, ऐसा है आज लीडर बहुत है जी, अच्छे लीडर नहीं है, बिल्कुल लीडर की कमी नहीं है, लेकिन एक अच्छे लीडर, अच्छे लीडर की कमी है जी। तो ऐसा है कि एक बहुत फर्क होता है कि एक इफेक्टिव लीडर कहते हैं और एक गुड लीडर कहते हैं। इफेक्टिव लीडर होता है जो सोच बदल के अपने फॉलोअर्स से एक्शन करवा सके। हिटलर इफेक्टिव लीडर था साहब, लेकिन उसको कोई गुड लीडर नहीं कहता है। जानते हैं गुडनेस किसको कहते हैं? गुडनेस के अंदर एक सिद्धांत मोरालिटी भी आती है। जब तक मोरालिटी नहीं आएगी उसके गुडनेस नहीं आएगी जी। तो हम लोगों को एक गुडनेस भी लानी है, इफेक्टिवनेस के साथ गुडनेस लानी है। उसके बिना देश हमेशा उल्टी तरफ जाता है, सीधी तरफ कभी जाता नहीं है। और एक चीज हमने सीखी है, जिंदगी में कोई न्यूट्रल लीडर नहीं होता जी। या अच्छा लीडर होता है या घटिया लीडर होता है जी। और अच्छे लीडर और लीडर बनाते हैं जी, घटिया लीडर फॉलोअर बनाते हैं। और सबसे यही सबसे एक बड़ी चीज है जी। और अच्छे लीडर मोटिवेट करते हैं लोगों को आगे बढ़ने के लिए, और अच्छे लीडर सपोर्ट करते हैं, घटिया लीडर कंट्रोल करते हैं अपनी टीम को। क्यों जानते हो? क्यों? अपने आप को इतना असुरक्षित महसूस करते हैं, अरे ये सीख जाएगा मेरा क्या होगा, ये सीख जाएगा मेरा क्या होगा। और जैसे जब तक लोग आपसे नीचे हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जिससे भी, हम लोग अपने आप को बड़ापन दिखाते हैं, ओहो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ, और जैसे ऊपर आने लगता है उसकी टांग खींच के नीचे उतरा देते हैं। हमारे लोगों में जहां पर वीरता की बहुत से एग्जाम्पल हैं, ये अपने देश में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं वीरता के, हम महाराणा प्रताप, बिल्कुल नहीं, हम जनसंख्या पर आते हैं जी, हम जनसंख्या पर ही फिर लेते हैं। क्योंकि सवाल ये है कि आज अगर हम नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी, हालांकि देर अभी भी हो चुकी है बहुत देर, अभी भी बहुत हो चुकी है, लेकिन आज भी अगर हम नहीं जागे तो, क्योंकि आप युवाओं को बहुत आसानी से मोटिवेट कर सकते हैं, आपको नहीं लगता कि वो वक्त आ गया है, एक सख्त कानून की जरूरत है हमारे देश को? और कम से कम अब पहले तो ये कहा जाता था कि गवर्नमेंट जॉब में इस तरह के नियम बना दिए जाएं कि भाई दो बच्चे हैं उसे नौकरी दी जाए, अब तो मुझे लगता है कि क्योंकि प्राइवेट जॉब ज्यादा हो गए हैं, युवाओं प्राइवेट जॉब में ज्यादा जाते हैं, नियम वहां पर भी लागू हो। देखिए जनसंख्या दो तरीके से आती है, बढ़ती है, एक इंटरनली पॉपुलेशन बढ़ रही है और दूसरा इमिग्रेशन भी आ रही है, बाहर से भी आ रही है जी, बिल्कुल, ये दोनों तरीके से हैं। तो हम लोगों को अब जैसे देखिए बहुत से लोग अपना नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, कितने लोग आसाम दूसरे तरफ से, बहुत लोग बांग्लादेशी भी आ गए और उनको राशन कार्ड भी मिल गए, हमारे पॉलिटिशियन ने दे भी दिया उनको, चाहे पैसे लेके, रिश्वत लेके और अपने वोट बैंक लेके उसको बनाने के लिए उन्होंने उनको नागरिकता भी दे दी। ये तो ऐसा है कि अपना गला काटने वाली बात है। और एक बात बताऊं आपको जी, अगर एक आदमी ने तय कर लिया है कि मैं सुसाइड कमिट करूंगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। एंड दुख की बात यही है कि अगर इस तरीके से हम लोग चलते रहे तो देश के साथ गद्दारी है जी, सरासर गद्दारी है। तो एक हाँ आसाम जैसी जगह पे, महाराष्ट्र में, वहां पे कानून भी आ गया है जी, कि अगर आपके आपसे आपके दो बच्चों से ज्यादा होंगे तो आप गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते या इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते या कोई ऐसा, इस तरीके से कानून आ गया है और दो जगह पे आया है। तो ऐसा कानून मेरे हिसाब से पूरे देश में आना चाहिए जी, पूरे देश में, और बहुत जरूरी है ताकि इस तरीके से एक एग्जाम्पल सेट हो सारे देश के लिए कि हमारे को देश का हित अपने हित से ऊपर रखना ही पड़ेगा। जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि यानी कि इससे ये समझा जा सकता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति में कहीं पर कमी है, तो आपको लगता है कि, आपने भी कहा है, आपकी किताब में पढ़ा है कि सफलता तभी मिल सकती है जब आपकी इच्छा शक्ति भी दृढ़ हो। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, बात यह है इच्छा शक्ति एक होती है, इच्छा और इरादे में बहुत फर्क, बिल्कुल, इसी आज बहुत से नेता इच्छा दिखाते हैं
उनका इरादा नहीं है, जानते हो इच्छा और इरादे में क्या फर्क है। इच्छा का सौदा हो सकता है, इच्छा और सौदा हो सकता है, इच्छा का इरादे का सौदा नहीं होता। और जब भी जिंदगी में दबाव पड़ता है इच्छा कमजोर पड़ जाती है, इरादा और मजबूत हो जाता है। तो बात यह है कि हमें आज दोबारा से अगर देश को देखना है दूरंदेशी के साथ, चाहे जनसंख्या है और इस तरीके से जो भी चीजें आ रही हैं, आज दोबारा से एक अच्छे लीडरशिप की जरूरत है। जैसे मेरे हिसाब से हमारा एक अच्छा लीडर इस देश में जो हुआ है, लास्ट लीडर हुआ है, सरदार पटेल के बाद इस देश में अच्छा लीडर आया ही नहीं जी। और हमारे को आज वापस अगर चाहिए तो हमारे को नेताजी चाहिए दोबारा से, हमारे को सरदार पटेल चाहिए दोबारा से, जिसने पूरे देश को जोड़ दिया। ये पटेल, सरदार पटेल नहीं होते तो ये देश जुड़ता नहीं। मेरे हिसाब से ये नेहरू के बस का नहीं था जी। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि नेताजी आज नहीं आ सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं आ सकते हैं, लेकिन अगर परिस्थिति ये आ गई है जी, लेकिन परिस्थिति हमारे सामने मुंह खोली खड़ी हुई है, हमें उससे निपटना है, हमें लोगों को एक संदेश देना है। बिल्कुल देना है, और संदेश यही है कि हम लोग को एकजुट होकर पूरा देश इकट्ठा हो जाए और दोबारा से एक आंदोलन खड़ा किया जाए और एक बोर मूवमेंट खड़ी होनी चाहिए, जिसमें हम लोगों को बिल्कुल इस तरीके से लाना चाहिए कि हम दो हमारे दो, ताकि हम लोग दोबारा से अपने देश को सही रूप से सही दिशा में, लेकिन शिवजी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने नागरिकों को दे सके जी। शिवजी एक चिंता की बात ये भी हो जाती है, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम दावा करते हैं कि हम डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप खुद बताइए अगर आज बैठकर हम जनसंख्या पर इस तरह से बात करें, ये कानून तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था। इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, ये तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था। और बात यह है कि मेरी चाची की मूछें होती तो मैं उसे चाचा कहता, बन तो जाना चाहिए था भाई, तो लेकिन बना तो नहीं जी। अब बात यह है कि तब नहीं बना तो अब बनना चाहिए जी। अब बात यह है, लेट तो हो ही चुका है, बहुत सी चीजें लेट हो चुकी हैं, बट सवाल यह है कि कब हम बातें करते रहेंगे या सवाल वो अपना नहीं। चिंता सर इस बात को लेकर भी है ना, देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से लोग रहेंगे कहां। आपने एक बड़ी समस्या ये भी बताई है कि सिर्फ इंटरनल पॉपुलेशन ही बढ़ रही है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको जिस तरह से राशन कार्ड दिया जा रहा है, उन्हें यहाँ पर स्थायी कर दिया जा रहा है, वोट बैंक की राजनीति की जा रही है एक तरफ से, और राजनेता ही ये कह रहे हैं कि नहीं जनसंख्या एक बड़ी समस्या है, तो इन दो विरोधाभास बयानों को कैसे समझे हम। नहीं नहीं विरोधाभास नहीं है, दोगलापन है भाई जी, बहुत फर्क है। विरोधाभास नहीं है, दोगलापन है, एक मुंह से एक बात करते हैं दूसरे वही दूसरे तरफ दूसरी बात करते हैं, तो ये तो एकदम प्रत्यक्ष है कि ये देश का हित उनके हाथ है ही नहीं सामने उनके पास, तो इसलिए हमारे को एक पब्लिक ओपिनियन इकट्ठी दोबारा से करनी पड़ेगी, ताकि हम लोगों मिलके कम से कम समझें कि जिसके अंदर बहुत सी जनता ऐसी है जिनके अंदर यही भावना है, लेकिन संकोच कर रहे हैं कि आगे कैसे आए, वेट कर रहा है कि कोई पहल करे और फिर हम उसके साथ जुड़े, तो इसलिए या आगे की चिंताओं को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कितनी बड़ी चिंताएं खड़ी हो जाएगी आने वाले वक्त में। बहुत लोग समझ पा रहे हैं, लेकिन ऐसा है वो ना शब्द दे पा रहे हैं और ना ही रास्ता देख रहे हैं, और ना ही उनके अंदर कईयों में लीडरशिप क्वालिटीज है, और बहुत लोग डरते भी हैं, संकोच करते हैं, हम बोलेंगे क्या हो जाएगा, करेंगे क्या हो जाएगा हमारे ऊपर। मानसिकता में बदलाव को आपको नहीं लगता वो भी बहुत जरूरी है, मानसिकता में, क्योंकि आप देखिए आपने जैसे पहले भी जिक्र किया कि मुंह एक होगा लेकिन हाथ दो होंगे, जिस तरह से गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं या हमने जो सड़कों पर लोगों को देखा है जिस तरह से वो भीख मांगते हैं, उनकी तो कोशिश ये होती है कि ठीक है घर में चार लोग हैं, चार लोग कमाएंगे, ये सोच ये है, तो मानसिकता बदलना बहुत जरूरी है। मानसिकता बदलना जरूरी है। देखिए एक बात बताऊं आपको, आप हमारे लिए बैठ के कहना अच्छे कपड़े हमने पहने हुए, अच्छी गाड़ी चलाते हैं जी, बहुत आसान है, लेकिन जिसके पास शाम को रोटी नहीं मिलती ना, उससे बात करना ये आसान नहीं। बिल्कुल। और दो दिन चार दिन आप फांका रख के देख लो, आदमी के होश ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत आराम से बात करते हैं कि जी मांगने वाले आ गए, उसके चार मुंह आ गए, अरे क्या करे वो, थिंक अबाउट इट, क्या करे वो, बहुत से ऐसी मजबूरियां पड़ जाती हैं आदमी को, दे हैव नो चॉइस, उसके उसके अलावा दे डोंट नो एनी बेटर, उसके अलावा समझ ही नहीं आती उसको क्या करे, और उसके अलावा जो आप ये चार हाथ की बात करते हो और इधर 15 इनके लोगों की, ये भी एक माफिया बना हुआ है जी, आप देखिए ये भी एक माफिया बना हुआ है, और जो लोग शाम को पूरी भीख इकट्ठी करके नहीं लाते उनके थप्पड़ पड़ते हैं बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा है, बहुत आसान है मेरे लिए और आप
के लिए इस तरीके से स्टूडियो में बैठ के बात करना, हम लोगों को एक आंदोलन दोबारा से तैयार आंदोलन सुदर्शन न्यूज यही मुहिम चला रहा है, क्योंकि सुदर्शन न्यूज के सामने सबसे बड़ी चिंता यह है कि देश बचाना है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, और इसको ध्यान में रखते हुए ही कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और इस गंभीर मामले को कम से कम समझने की कोशिश करें। क्योंकि जैसा कि आप ही कह रहे हैं, चलिए ठीक है, सरकार एक कानून ले भी आती है कि सरकारी नौकरी तभी देंगे आपके दो से ज्यादा बच्चे नहीं हो, सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं मिलती है, नाम ही लेना भाई, क्या फर्क पड़ता है, एक संदेश तो जाएगा, तो ये सिर्फ एक एक परसेंट को, कुछ परसेंट को ही जाएगा भाई, एक ही परसेंट को जाए, आप देखिए तो सही कि किस तरीके से स्नोबॉलिंग इफेक्ट होता है। लेकिन आप जितना नियंत्रण कर सकते हो, जिस तरीके से कर सकते हो, ये एक पब्लिक ओपिनियन फैलती है, बढ़ती चली जाती है, और ये जरूरी है इस तरीके से। और जब तक हम लोग शुरुआत नहीं करेंगे, सो व्हाट, 1% है चाहे 2% है, इसका क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जानते हो वो 1% नौकरियां जो हैं, दे आर मोर वैल्यूएबल देन मेनी प्राइवेट जॉब्स, लोगों के लिए जो सुरक्षित अपने आप को चाहते हैं, कहते हैं जी मेरे को दुगने पैसे मिले कहीं और, ना ना, आई विल प्रीफर टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, तब उनको वहां से अगर हटा दिया जाएगा तो बहुत अच्छा नहीं सर। मेरा आपसे सवाल यह है कि ठीक है, वो कुछ परसेंटेज होगा जो गवर्नमेंट जॉब की बात मैं कर रही हूँ, बाकी के लिए आपको क्या लगता है किस तरह के कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए कि बाकी लोगों के बीच भी एक मैसेज तो कम से कम जा सके, संदेश, मैसेज जरूर जाना चाहिए, और इससे जाएगा, इससे 100% एक संदेश जाएगा, मैसेज पहुंचेगा उन लोगों पे। लेकिन आप क्या एक कानून बना के प्राइवेट सेक्टर को भी इस तरीके से बदल सकते हैं? आई हैव माई डाउट्स, आई डोंट थिंक यू कैन डू इट, एटलीस्ट नॉट टू माई नॉलेज, बट ऐसा कानून तो आप शायद डेमोक्रेसी के अंदर बनाना शायद मुश्किल होगा, मुझे मालूम नहीं है, हो सकता है मे बी अ गुड लॉयर कैन फिगर आउट इफ दे कैन डू इट और दिस पार्लियामेंट कैन डू इट, आई हैव नो आइडिया, सो आई रियली कांट आंसर दैट क्वेश्चन, मैं जिसका जवाब नहीं दे सकता आपको, दैट्स रियली व्हाट इट इज। लेकिन संदेश जरूर जाना चाहिए और एक आंदोलन जरूर चाहिए हमारे को, अगर देश बचाना है तो, वरना हम लोग को दुनिया के नक्शे पर अगर हिंदुस्तान देखना है, दिस इज द ओनली आंसर, और रास्ता नहीं है। किस तरह का आंदोलन? ये जो आप लोगों ने शुरू किया है, हम दो हमारे दो, ये एक बहुत अच्छी एक अभियान शुरू किया है आप लोगों ने, एंड आई थिंक दिस इज वेरी क्रूशियल। मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूं, मैं इस डिवेट नहीं करना चाहता यहां से, लेकिन थोड़ा सा मैं हट के बात करूंगा, क्योंकि मैंने आरक्षण के ऊपर PILB फाइल किया था कि आरक्षण जाति और धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, वो आर्थिक आधार होना चाहिए, वरना जिस तरीके से हम लोग एक दूसरे के आपस में बांट रहे हैं जी। आज से 10-15 साल के बाद दुनिया के नक्शे पर क्या हम एक इंडिया देखेंगे जी। तो ये बहुत एक बड़ा सवाल आता है। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे उस मंच में जी। तो कहते हैं हजारों साल से आक्रमण हुए, कुछ बात जरूर है, हस्ती मिटती नहीं हमारी, हम तो आज भी यहां बरकरार बैठे हैं यहां पर। तो कुछ जनता वहां थी, ताली बजा रही थी वहां पर, तो मैंने समझ में आया कि यार ताली क्यों बजा रहे हैं ये लोग, मंत्री इसकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात सुन के। तो मैंने उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पूछा कि मैं कहा कि भैया आप जो कह रहे हो, आपने कभी इतिहास सोचा है कि क्या है, इतिहास भूल चुके हो क्या? मैंने कहा कि 70 साल पहले इंडिया का बॉर्डर काबुल तक पहुंचता था, आज अमृतसर के बाहर रुक जाते हो, हस्ती मिटती नहीं दिख रही तुम्हारे को? 70 साल पहले इंडिया का बॉर्डर बर्मा तक पहुंचता था, आज कलकत्ता के बाहर रुक जाते हो, तुमको हस्ती नहीं मिटती दिख रही है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो आप, कैसे आदमी हो? और पिछले 70 साल से हिंदुस्तान का झंडा डेली कश्मीर में 20 बारी जलता है, आपको दिखता नहीं हस्ती मिट रही है? तो ऐसा है जी, बिल्कुल, जैसा कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में भी ये कहा था कि इच्छा नहीं, इरादे मजबूत होने चाहिए, और इरादे मजबूत होंगे तभी हम इस गंभीर समस्या से जो कि हमारे सामने खड़ी होने वाली है और भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है, इससे निपट